यार पूरी सिनेमा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी, क्योंकि वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक एक्शन धमाकेदार मूवी ये होने जा रही है। तो क्या है वो 10 फैक्ट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक का बटन दबा करके। दोस्तों फैक्ट नंबर वन, जैसे कि आपने बाहुबली 1 और 2 देखी होगी, और आप सभी को बता दूं RRR मूवी को भी बाहुबली की पूरी टीम ही बना रही है, चाहे वो ग्राफिक टीम हो, बैकग्राउंड म्यूजिक टीम हो या फिर स्क्रीन प्ले टीम हो, पूरी की पूरी बाहुबली की टीम ही RRR मूवी को बना रही है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है RRR मूवी का बजट करीब करीब 400 करोड़ से लेकर के 350 करोड़ तक का है, और इतनी हाई बजट वाली मूवी आज तक ना ही बॉलीवुड में ना ही हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज में आई है। यानी कि इससे अंदाजा लगा लो कि ये मूवी सुपर से भी ऊपर होने वाली है। फैक्ट नंबर 3, RRR मूवी से ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि ये मूवी अपने पहले ही दिन 5 लैंग्वेज के साथ रिलीज होकर के पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार करेगी। यानी कि पहली बार एक ऐसी मूवी आएगी जो कि पहले ही दिन 100 करोड़ का कारोबार कर लेगी। तो कैसा लगा ये फैक्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चौथा फैक्ट है, NTR और रामचरण दोनों ही साउथ इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े सितारे पहली बार कोई मूवी एक साथ करने जा रहे हैं, और जो फैन का क्रेज है दिन वो दिन बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि दोनों को एक साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए हम सब देखने जा रहे हैं। पांचवा फैक्ट है, आलिया भट्ट पहली बार नजर आएगी कोई एक इतनी बड़ी साउथ इंडस्ट्रीज मूवी में लीड एक्ट्रेस के किरदार में। यानी कि आलिया भट्ट की किस्मत चमकने वाली है इस मूवी के साथ, और वो भी अपना नाम शुमार करने वाली है बिग हिट मूवीज में। दोस्तों फैक्ट आपको कर देगा हैरान परेशान, क्योंकि RRR की मूवी की कहानी जिन्होंने लिखी है वो इतने बड़े राइटर है जिन्होंने मार्शल, बजरंगी भाईजान, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जैसी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुके हैं। यानी कि उनकी कहानियां लोगों के दिलों में घर कर जाती है, मूवी सुपर डुपर हिट चली जाती है, और इसी से अंदाजा लगा लो कि राइटर इतने बड़े हैं तो मूवी कितनी बड़ी साबित होगी। दोस्तों सातवां फैक्ट है, यहाँ पर अजय देवगन और किच्चे सुदीप को आपने हीरो के रोल में तो देखा ही होगा, लेकिन दोनों पहली बार विलन का किरदार अदा करेंगे RRR मूवी में, और दोनों ही टकराएंगे NTR और रामचरण से। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि किच्चे सुदीप अजय देवगन एक तरफ होंगे और जूनियर NTR और रामचरण एक तरफ, और दोनों ही टकराएंगे एक दूसरे से, जिससे हमें मिलेगा फुल्ली एक्शन का पैकेज। यानी कि सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने जा रही है RRR। दोस्तों आठवां फैक्ट, जैसे कि बहुत सारी फिल्में हिंदुस्तान में बनी है, लेकिन पहली बार साउथ इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज जो दोनों ही एकजुट होकर के बिग बजट मूवी बना रही है, और इसी के साथ साथ बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी फिल्म का खिताब जाता है RRR को। नौवा फैक्ट, दोस्तों फैक्ट नंबर 9 इसने किया है तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा फिल्में वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा कमाती है, और कोई कोई मूवी तो 1000 करोड़ पार कर जाती है, लेकिन आज तक इंडिया में कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं बनी जो कि हिंदुस्तान के अंदर ही 1000 करोड़ का कारोबार की। लेकिन बहुत सारे फिल्मकारों का ये मानना है कि RRR मूवी 5 से ज्यादा लैंग्वेज में रिलीज होगी, और इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स में लाया जाएगा, और 1000 करोड़ का आंकड़ा हिंदुस्तान के अंदर ही पार कराया जाएगा। यानी कि जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या कोई मूवी 1000 करोड़ कमा पाएगी इंडिया में, इसका सपना पूरा कर पाएगी या नहीं RRR, क्या RRR 1000 करोड़ रुपए कमा पाएगी या नहीं,
हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें इसी तरीके से खतरनाक और दिल दहला देने वाले फैक्ट्स के बारे में। आप सभी से मुलाकात होगी एक दूसरे बड़ी अपडेट्स में, तो चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय।